नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मुझसे इस बात की जो है बहुत मांग हो रही थी कि मैं जो हूँ जो इस पर शून्य साधना पे या वायवी साधना पे या शून्य में से कोई वस्तु प्राप्त करने पे साधना पे जो है कोई वीडियो बनाऊं, तो एक शशि कुमार पौरव सिंह जी हैं, उन्होंने जो है इसका विशेष रूप से जो है मुझसे इसकी मांग की थी। और इसी तरह कई लोग और भी हैं जिन लोगों जो इस बात के लिए कह रहे थे मुझसे, तो लीजिए आज मैं उसी पर ही बात बताता हूँ आपको और उसी साधना के बारे में विवरण देता हूँ कि कैसे वो साधना जो है संपन्न की जाएगी। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इस साधना में होता क्या है। ये साधना इस तरह से है कि अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो बैठा व्यक्ति अगर कोई चीज चाहता है, कोई वस्तु चाहता है या कोई पदार्थ चाहता है, तो वो पदार्थ वो जो है बिल्कुल आपके सामने ही प्रत्यक्ष जो है लेके आ जाएगा, एकदम से आ जाएगा वो चीज। और एक विवरण भी है, हमारे मित्र हैं वो, उन्होंने बताया था कि उनके साथ ये चीज घटित भी हुई थी। तो एक तांत्रिक था, उनका जो मित्र था उसने, और एक कहानी पूरी पूरी हुई थी, मैं उसको भी आपको बताऊंगा, तो उसके बारे में भी आपको अगले विवरण देता हूँ। तो हुआ क्या था कि ये लोग जा रहे थे गांव में, तो गांव में जाते वक्त जो है वहाँ जो रास्ता ये लोग भटक गए, जहाँ एक शादी पार्टी थी गांव में वहीं पे, तो उस जगह जाने के लिए ये लोग रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने की वजह से गांव जंगल में ये लोग चले गए। अभी उन्होंने कहा काफ़ी देर हो गई, वहाँ तो खाना ख़त्म हो जाएगा, ऐसी अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसने, इनके साथ तो तांत्रिक दोस्त था इनका, और इन्होंने, उसने कहा कि ठीक है और तो कुछ नहीं, चलिए हम लोग मिठाई खा लेते हैं। तो उसने जो है कहा ठीक है मुझसे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ी दूर पे जाता हूँ। थोड़ी दूर पे गया और उसने मंत्र का जाप किया, और मंत्र जाप करने के बाद जो भी उसने किया, लोग सब देख रहे थे, हम लोग हंस रहे थे उसे। फिर वो जो है एक जो है एक होती है थाली जो बहुत ही बड़ी होती है, जैसा शादियों में चलती है, जिसको हम पीतल की थाली कहते हैं, बहुत बड़ी होती है, थरहा जिसको बोलते हैं, उस पर जो है पूरी मिठाइयाँ भरी हुई थी। तो वो जो है उसी उठा करके लेके आ गया और कहे ये लोग खाइए। ये लोग सब अचरज से उसे पूछने लगे ये कैसे किया तुमने, ये कैसे किया। तो उसने कहा मैं बता नहीं सकता हूँ लेकिन मंगा दिया है। और फिर लोगों ने कहा कि अब क्या करोगे, तो ये कहने लगा कि ये थाली मैं यहीं छोड़ देता हूँ, अपना जो है जो कुछ होगा देखा जाएगा, पर हमें थाली लेके नहीं जाना। तो उसने कहा ठीक है, तो ये लोग थाली वहीं छोड़ दिए। जबकि अगर देखा जाए तो वो थाल जो ये शादियों में भी यूज होता है ज़्यादातर, नहीं आपके पहले जो है शादी से पहले प्रोग्राम होता है आपका, जिसमें जिसको तिलक कहते हैं, और तिलक में जो है आप थाली में देखते, बड़ी सी थाली होती है थरहा टाइप का, पीले रंग की होती है, पीतल की बनी हुई, तो वो दी जाती है और काफ़ी महंगी होती है, लेकिन ये लोग उसको वहीं छोड़ा है। तो इसको कोई सिद्धि थी, तो वही उसी तरह की सिद्धि हम बता रहे हैं आपको, तो ये वो सिद्धि है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको जो है ये साधना बहुत आसानी से पैदा हो, मतलब बहुत ही आसानी से ये हो भी जाती है, लेकिन बहुत ही कठिन भी है। अब इसमें कठिनाई क्या है ये आपने खुद ही जान लेंगे कुछ दिनों बाद, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप सरलता से, बहुत सरलता साधना हो जाती है ये मात्र एक दिन की साधना है, केवल एक दिन में ही कुछ ही समय में आपकी ये हो जाती है। तो अब करना क्या है मैं आपको उसकी विधि बताता हूँ। कोई भी साधारण जो है कुशा का आसन लेना है, कुशा जो होती है कुश, उसका आसन आपको लेना है, और उस पर जो है भृंगराज का एक पौधा होता है, उस भृंगराज के पौधे की जो है पत्तियां जो है आपको पूरा का पूरा जो है उस पर बिछा लेनी, जिससे जो है आसन जो है वो पूरी तरह से जो है ढक जाए, वो बिल्कुल भी मतलब खाली ना रहे, आपको इतने भृंगराज के पौधे की पत्तियां लानी पड़ेंगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, महाभृंगराज तेल होता है, उसको जो है आपने अपने हाथों, दोनों हाथों में अच्छी तरह से मलना है, और अपने पैरों के तलवों में अच्छी तरह से मल, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से बिल्कुल मल लीजिए, हाथ और पैरों में खूब तेल चुपड़ लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद जो है आप हकीक की माला ले लीजिए, और उस हकीक की माला से मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप, मैं मंत्र जाप का प्ले पढ़ देता हूँ।
ओम वीर वीर वैताल वश्यम कार्य सिद्धि मनोवांछित पदार्थ, और उसके बाद अमुक, अमुक की में जग उस पदार्थ का आपको नाम लेना होगा बाद में, और कुरु कुरु हुम हुम फट, फिर से सुन लीजिए, ओम वीर वीर वैताल वश्यम कार्य सिद्धि मनोवांछित पदार्थ अमुक कुरु कुरु हुम हुम फट। तो ये है वो मंत्र, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का 1,25,000 जाप करने पर ये मंत्र जो है एक बार में 1,25,000 जाप करके इसको सिद्ध किया जा सकता है। अब इस साधना को करते कब है, इस साधना के लिए कोई नियमावली नहीं, लेकिन याद रखिए इस साधना को केवल और केवल, याद रखिए केवल और केवल दीपावली की रात, होली की रात, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच का समय, अगर आपका सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उतने समय, और जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उतने समय, केवल यही 4 समय में आप इस साधना कर सकते हैं, उसके अलावा आप साधना नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा इससे, जब आपकी पूरे आपके जाप हो जाएंगे पूरे और तो आप सिद्धि हो जाएगी आपको, तो आपको इस मंत्र को जपना है और अकेले में जाके जपना है उस जगह को, फिर आपके सामने तुरंत चमत्कार होगा और जो भी चीज आप चाहोगे वो आपको हासिल हो जाएगी। तो कैसे होगी, वही मंत्र, ओम वीर वीर वैताल वश्यम कार्य सिद्धि मनोविच्छेद पदार्थ मिठाई कुरु कुरु स्वाहा कर, मतलब इस तरह से आपको जपना है। तो जैसे मिठाई बोल देंगे वहां पे तो आपको मिठाई आ जाएगी, आप वहां पर अगर आप ये बोलते हो कि हाँ हमको जो है एक सोने की चेन है, सोने की चेन ले आ, तो वो क्या कहेगा, ओम मंत्र आएगा, ओम वीर वीर वैताल वश्यम कार्य सिद्धि मनोविच्छेद पदार्थ सोने की चेन कुरु कुरु हुम हुम फट। तो इस तरह आप जब बोलेंगे तो आपके सामने वही चीज हासिल हो जाएगी। अब बेताल जो है जहां से भी जाए वो चीज उठा के ले आए तो उसके ऊपर डिपेंड हो क्या करता है, किस तरह से लाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इस तरह से आपको ये सिद्धि मिल जाएगी। एक बात और है अनुभव की, मेरे जितने भी हैं वो ज्यादा दिन तो नहीं चलने वाले हैं, इसलिए मैं आज आपसे एक अपील कर रहा हूँ, आप सभी लोगों से, मैं आज सभी लोगों को एक संबोधित करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में से जिसके पास भी साधनाओं से रिलेटेड, जिन लोगों ने साधनाएं की हैं और उनके जो जो अनुभव हुए हैं वो सब आप मुझे मेल करिए, उनमें से जो अच्छी मुझे लगेंगी मैं उसको जो है उस पर वीडियो बनाऊंगा। और याद रखिए जो भी वीडियो मतलब आप मुझे मेल करेंगे उसमें अपना नाम, अपना पता, अपना गृह जनपद, अपना मोबाइल नंबर और उसके साथ अपना एक फ़ोटो, ये सब जरूर दीजिएगा। इसकी वजह से जो है आपके नाम के साथ, आपके फ़ोटो के साथ, आपकी पहचान के साथ मैं वीडियो दिखाऊंगा लोगों को और बताऊंगा कि इस या अमुक व्यक्ति के ने ये अनुभव किया था, इसलिए ये किसी भी प्रकार से फर्जी नहीं हो सकता। दूसरी बात कि कोई भी ऐसा फर्जी तरह का या जो अनुभव आपको ना हुआ हो अपनी कहानी बना करके आप मुझे मत भेजिएगा, ठीक है। जो अनुभव सच में हुए हो और सच्चे अनुभव हो किसी भी साधना के, कोई भी साधना में कोई भी अनुभव हो, वो आप जरूर आप लिख करके भेजिए ताकि आप भी जो है साधकों से जुड़ सकें और आप एक प्रमाण बन सके लोगों के लिए कि हाँ इन्होंने ये साधना की थी और इसमें ये सफलता हुई थी, इनको ये हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर भेजिए, इससे जो है गोपनीयता भंग नहीं होती है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति आपको स्वयं नहीं देख लेता है, स्वयं आपसे बात नहीं कर लेता है, स्वयं आपसे जो है, तो आपकी गोपनीयता उस साधना की नहीं भंग होती है, ठीक है। बस ये तो बताना नहीं है आपको, तो आप जब तक कोई आपसे मिल नहीं लेगा तब तक आप इंटरनेट पर तो आप सबके लिए अनुभव वो जो है एक प्रकार से अनुभव ही बता रहे हैं और कोई आपको जान भी नहीं रहा, देख भी नहीं पा रहा, इसलिए आपकी साधना पर इससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो अपने अनुभव आप मुझे भेज सकते हैं, मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो आप जिससे जो है मैं आपके नाम से आपके फोटो और वीडियो के नाम से वो प्रसारित करा दूंगा कि हाँ इन व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, ठीक है। मोबाइल नंबर मैं गोपनीय रखूंगा ताकि आपसे कोई संपर्क ना कर पाए, ठीक है, लेकिन मेरे पास होना जरूरी है ताकि मुझे पता रहे कि हाँ ये व्यक्ति थे, कम से कम कल को कोई अगर प्रश्न उठाता है बहुत ज़्यादा तो मैं उनको बता सकता हूँ। लेकिन जो है आपको जो है और कुछ भी किसी को नहीं बताना है, बस मेरे पास एक प्रमाण के रूप में वो चीज़ रहेगी और मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और अनुभवों की संख्या बढ़ी रहे जिससे हम सब जितने साधक लोग हैं ये सबको एक सच्चाई की राह की तरफ ले चले, ऐसा नहीं कि कोई झूठी बात, क्योंकि आजकल विज्ञान का युग है और कोई विश्वास नहीं करता इन बातों पर। कोई भी साधना सिद्धि जब तक मिल नहीं जाती है, और जिनको मिल जाती है वो छुपा लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने अनुभव भेजिए और अनुभवों को मैं शेयर करूँगा, जिससे सभी नए लोग जो हैं, खास के जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं और साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो सोचते हैं क्यों आएँ, किस लिए आएँ,
और कुछ भी नहीं रखा इन चीज़ों में, आप लोग अगर अपने अनुभव भेजते रहेंगे तो जो है आपके साथ उन लोगों का भी भला होगा और आपका तो भला होगा ही होगा, और आप भी जो है फेमस हो जाएंगे इस बारे में कि हाँ एक व्यक्ति वहाँ के हैं, अमुक हैं, ये हैं, और फिर एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी। मैंने मेरा पहला उद्देश्य यही था कि मैं पूरी एक श्रृंखला बनाऊँ काफ़ी लोगों की, जिससे जो है आप जो है पूरी सब लोग एक साथ मिल के सब काम करेंगे तो वो कार्य जो हो एक प्रकार से प्रामाणिक कार्य होगा, एक परिवार का निर्माण। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।